जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो टेस्ट नंबर 20 था उसका हम आंसर की आज हम लेके आए हैं। देखिए ये जो टेस्ट है 20, इसमें जो है आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया था उपाधि एवं उपनाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है बीपीएससी में जो है क्वेश्चन जो है लगातार आ रहे हैं, और इसमें भी हम लेखक और उनकी पुस्तकों के जैसा जो है हम सिर्फ आंसर की ही बताएंगे, एक्सप्लेनेशन जो है इनमें नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको जो है ये याद करना है। जब तक नहीं करिएगा इसमें कोई समझने वाला नहीं चीज़ है, इसलिए जो है आपको याद करना ही इसमें जो है ज़रूरी होता है। आप जो है लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट के जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके जो है लास्ट में जो है उपाधि और उपनाम जो है वहाँ पर जो है दिया गया है। अगर उसमें कुछ कम है तो हम जो है बाद में जो है इसको जो हम अपना टेलीग्राम पे जो है डाल देंगे, आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आज का जो टेस्ट था उनमें जो है कुल जो है 27 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं वही डाला गया है, और इसके अलावा जो है बाद में जो है इसमें कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उन सारे क्वेश्चन को जो इसमें डाला गया है। ऐसा नहीं है कि हमने सारे इसमें डाल दिए हैं, जो महत्वपूर्ण था उसी को डाले हैं। इसके अलावा जो है आप जरूर जो है लूसेंट में देख लीजिएगा, जो टेस्ट सीरीज है हम आपको एक आइडिया देने के लिए लाते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है किस तरह से पूछ रहा है और यहाँ से कोई कितने क्वेश्चन जो है आता है, जो कि सेल्फ स्टडी के लिए जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा लोकनायक। आइए अब 65वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। और अगर पूछ दे कि यह कब हुआ था तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आइए अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए हम सीरीज से बता रहे हैं, 66वीं 65वीं 64वीं 63वीं इस तरह से बता रहे हैं, वही है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान तिलक के नाम से जाना जाने लगा है कब? इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1897 में जो है रेंड एम हर्स्ट की हत्या हुई थी, और उसके बाद जो है इस पर जो मुकदमा चला था इसी दौरान इनको जो है ये जो है उपाधि दिया गया था लोकमान तिलक का। आइए अब चौथा क्वेश्चन है जो कि 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 1911 में। तो किस वायसराय के कार्यकाल में, तो आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। यह पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा लाला लाजपत राय, और इनको जो है लाठी लगा था और उसके कारण जो है इसकी जो है मृत्यु हुई थी। कब? तो साइमन कमीशन का जो है इन्होंने जो विरोध किया था उसी विरोध प्रदर्शन में जो है इनको जो है चोट लगी थी और उसके कारण जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। आइए अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए दोस्तों जयप्रकाश नारायण से जो है लोकनायक की उपाधि वाला जो है ये जो है लगभग 3 बार पूछ चुका है। कब कब पूछ चुका है? तो देखिए 46वीं में पूछा है, उसके बाद देखिए 56 से 59वीं में पूछा है, और अभी हाल फिलहाल में जो 66वीं बीपीएससी आयोजित हुई थी उनमें भी जो है यहाँ से जो क्वेश्चन आया है। तो लोकनायक से जो है आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हालांकि अब नहीं लगता है कि 67वीं में पूछेगा, उसके बाद पूछने की संभावना है। आइए अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अब देखिए नवा क्वेश्चन है, कौन भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आइए अब देखते हैं दसवां क्वेश्चन है, जो कि 38वीं बीपीएससी में पूछा गया है, लोकमान के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? देखिए ये जो है 64वीं बीपीएससी में ये भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा जैन उल आबदीन। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, देश नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। वहीं अब 14वां क्वेश्चन है,
कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। वही अगर आपको पूछ दे कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी, तो आपको ये भी याद रखना है महात्मा गांधी ने। आइए अब देखते हैं पंद्रहवां क्वेश्चन है, बिहार विभूति से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। 16वां क्वेश्चन है, बादशाह खां के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। 17वां क्वेश्चन है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 18वां क्वेश्चन है, अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो है कवि गुरु या कहीं तो गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अब 20वां क्वेश्चन है, जो कि 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है, प्राचीन भारत से है, कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अब 21वां क्वेश्चन है, बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा शेख मुजीब रहमान को। क्या? शेख मुजीब रहमान को। 22वां क्वेश्चन है, जो कि जो है मध्यकालीन भारत से पूछा है, कि तोता ए हिंद किसे उपाधि दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अमीर खसरू। अब 23वां क्वेश्चन है, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। देखिए लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। इसे जो है लाल बाल पाल की जो है संज्ञा दी गई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, हो जाएगा डी, हो जाएगा। अब 24वां क्वेश्चन है, जो हजरत आलम और सुल्तान ए आदिल के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा शेर शाह सूरी। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि जो है मध्यकालीन इतिहास से पूछा गया है, कि लाक्ष बक्स की जो है उपाधि किसे दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 26 नंबर का क्वेश्चन है, ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा चौधरी देवीलाल। अब 27वां क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा भगत सिंह। तो जितने भी 27 क्वेश्चन थे, सारे जो है इसमें आंसर की बता दिए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किए क्योंकि ये जो है याद करने वाला है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसेंट में आप देख लीजिएगा जरूर। वैसे जो महत्वपूर्ण थे बीपीएससी के अलावा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसके अलावा जो महत्वपूर्ण थे, सारे इसमें जो है हम बता दिए हैं, फिर भी जो आप देख लीजिएगा। गुड नाइट।